हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आपको बताया वन यू आई 6.1.1 का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों उसके अंदर का एक कमाल का प्राइवेसी या सिक्योरिटी फीचर बताने वाला हूँ जो कि उसके अंदर आपको मिलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको उसको ऑन करना चाहिए। क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेगा, सारी डिटेलिंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसे ही बताया मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल का एक सिक्योरिटी का फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपको वन यू 6.1 के बाद मिलेगा। तो उसके लिए सबसे जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है या एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है सिक्योरिटी। आपको उसके अंदर चले जाना है सिक्योरिटी प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो ब्लॉकर का। तो आप बोलोगे यार ऑटो ब्लॉकर तो पहले भी था। ये पहले भी था, अब इसके अंदर एक कमाल का फीचर एड ऑन कर दिया गया इसी के अंदर, दैट इज मैक्सिमम रिडक्शन, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन, ये यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। अब पहले जिन लोगों को नहीं पता कि ये एड ब्लॉक ऑटो ब्लॉकर क्या होता है, तो ये ऑटो ब्लॉकर एक ऐसा फीचर है, ये भी बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन करना रहता है। इसको ऑन करने से फायदा क्या होगा, कोई भी आपके मोबाइल में अनऑथराइज सोर्स है या फिर एपीके डाल के कोई भी आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर को या कोई ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकता, कोई भी आपके मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लॉक्ड रहेगा, और कोई भी आपके मोबाइल की कोई मैसेजिंग ऐप में जो ओटीपी आती है ना उसको भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये सब चीजें यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है, और कोई यूएसबी कनेक्ट करे कोई कमांड भी देना चाहेगा तो ये सब चीजें लॉक कर देता है। सिक्योरिटी के ख्याल से बहुत ही शानदार फीचर था। अब इसी के अंदर एक और नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, दैट इज मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन। अब ये होता क्या है, बाई डिफॉल्ट ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करेंगे तो ये बता भी रहा है क्या है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर पीपल हु नीड मोर सिक्योरिटी, सम ऑफ योर फोन फीचर विल बी रेस्ट्रिकेटेड। तो इसमें कुछ आपके फोन के फीचर्स को भी रेस्ट्रिकेटेड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया, ऐप इंस्टॉल ऑन योर फोन विल बी चेक और मेलवेयर एक्टिविटी। जब भी आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, ये पहले चेक करेगा कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर वो आपको एक्सेस करने देगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। और ब्लॉक डिवाइस एडमिन ऐप, मतलब कुछ ऐप्स होती है ना जो अपने आप को एडमिन बना लेती हैं, जो कुछ ऐप्स ही ऐप्स होती हैं जो एक्सेस ले लेती हैं पूरे मोबाइल का और एडमिन वाली पूरे फीचर्स को यूज करना चाहती हैं, तो वो ऐप यहाँ पर कोई भी यूज नहीं कर, प्रिवेंट, मतलब कोई भी अगर वो डालेगा ना तो वो वर्क नहीं करेगा, दिखा हुआ है। प्रिवेंट डिवाइस एडमिन ऐप एंड वर्क प्रोफाइल फॉर बींग एक्टिवेट ऑन योर फोन, दिस प्रोटेक्ट योर फोन अटैक वेयर द फीचर्स मे बी यूज टू एक्सेस योर डाटा और रिमोटली कंट्रोल योर फोन। तो ये नहीं चलेगा। अब नीचे आएंगे तो ये है एसएमएस मैसेज, सॉरी सैमसंग मैसेज। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक्ड ऑटो डाउनलोडिंग अटैचमेंट, मतलब अगर आपके पास कोई मैसेज के अंदर कोई अटैचमेंट आता है ना तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड नहीं होगा, जिससे क्या रहता है ना कोई हार्मफुल या कोई ऐसा कुछ सस्पिशियस उन्होंने अटैचमेंट दे दिया है जिससे आपके मोबाइल का डेटा या मोबाइल हैक हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। साथ में हाइपरलिंक एंड प्रीव्यू नहीं होगा, मतलब आप उसके अंदर कोई मैसेज पे क्लिक करके डायरेक्टली जाता है ना, कोई मैसेज पे कोई लिंक आया आप डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच जाते हो तो वो वहां पर एक्टिविटी बंद हो जाएगी। नीचे वेब का जो कभी कभार क्या होता है कुछ लिंक के नीचे उसका प्रीव्यू दिखता है तो प्रीव्यू दिखना बंद हो जाएगा, तो ये सब चीजें यहाँ पर बंद हो जाएगी। साथ में रिमूव लोकेशन वेन शेयरिंग अ पिक्चर, जब भी आप किसी को पिक्चर शेयर करते हैं ना तो लोकेशन जो होता है ना उसके अंदर वो सब हटा देगा ताकि किसी को पता ना चले कि उसके अंदर क्या था। अब उसके अंदर और भी कमाल का है, गैलरी से रिलेटेड, जब भी आप गैलरी के अंदर जो होता है ना शेयर्ड एल्बम, तो ये क्या करेगा, शेयर इज नॉट अवेलेबल, आप कोई भी फोटो को या कोई भी एल्बम को शेयर नहीं कर पाएंगे इस फीचर को यूज करने के बाद, बिकॉज दिस पीपल इसमें क्या रहता है, इनवाइट आप करते हैं तो इनवाइट से क्या रहता है, देखा अदर पीपल कैन नॉट इन्वाइट यू टू शेयर एल्बम, दिस प्रोटेक्ट यूर अगेंस्ट इन्विटेशन फॉर पीपल हु मे नॉट बी हु से दे आर एंड इट प्रिवेंट फॉर एक्सीडेंटली शेयरिंग पिक्चर दैट मे बी सेंसिटिव। तो इससे क्या रहता है, आप गलती से कोई फोटो शेयर ना कर दें आपकी सेंसिटिविटी, इस चक्कर में शेयर एल्बम वाला फीचर भी वर्क नहीं करेगा इस फीचर को ऑन करने के बाद। और रिमूव लोकेशन डाटा वाइल शेयरिंग पिक्चर, जब भी आप पिक्चर को शेयर करोगे तो उसमें से लोकेशन डाटा को ये रिमूव कर देगा। ओवरऑल और यार भाई बहुत ही शानदार प्रोटेक्शन है, अगर आप अपने मोबाइल में या फिर आपको अपनी सिक्योरिटी या प्राइवेसी की टेंशन रहती है तो इस फीचर को ऑन कर लो बेधड़क, और आप काफी हद तक अपने आप को सेफ महसूस करेंगे इस फीचर को यूज करने के बाद।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक बोल सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।